हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम बताना है। तो सबसे पहला आपका टोमेटो एंड विनेगर एंड टैमरिंड। तो टोमेटो में कौन सा एसिड है, विनेगर में कौन सा है, टैमरिन में कौन सा है, क्वेश्चन में यही बताना है। तो जो एसिड्स टोमेटो में प्रेजेंट है वो है ऑक्जेलिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड टैमरिन में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों एसिड्स के नाम याद कर लेना है कि कौन से चीज़ में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन हाउ एंटा एसिड्स वर्क। एंटा एसिड्स वो टैबलेट्स होते हैं जो कि हम, या वो दवाइयाँ होती हैं जो हम एसिडिटी होने के टाइम लेते हैं। तो जो एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी है वो कैसे होगा, हमारे स्टमक में एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने की वजह से एसिडिटी होती है हमें। तो उस एसिडिटी के टाइम में हम लोग को एंटा एसिड्स लेना पड़ता है। और ये एंटा एसिड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं अपने नेचर में, बेसिक नेचर के होते हैं। तो इस तरीके से हमारे स्टमक में एसिड्स पहले से एक्सेस जनरेट हो रहा है और हमने ऐसी दवाई ली जिसमें कि बेसिक नेचर का है, जो कि एंटा एसिड है बेसिक नेचर का। इस तरीके से एसिड और बेस क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट होने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस ऑफ एसिड्स एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन कॉज बाई हाइपर एसिडिटी। तो हमने जो एंटा एसिड लिया है वो क्या कर रहा है, हमारे अंदर जो एसिड एक्सेस एसिड बन रहा था उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद हमें रिलीफ मिलेगा हाइपर एसिडिटी से। तो इस तरीके से एंटा एसिड वर्क करता है और हमारे स्टमक में जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उसे रिलीफ देने में हेल्प करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why does not an acid show any acidic behavior in the absence of water? क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ कि जो एसिड है वो एब्सेंस ऑफ वाटर में कोई भी एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाता है। तो इसका रीज़न देखते हैं। एन एसिड गेट्स आयोनाइज ओनली इन एक्वा सोल्यूशन विच मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कोई भी एसिड अपने आयनिक फॉर्म में तब आता है जबकि वो मतलब एक्वा सोल्यूशन में हो, मतलब वो उसमें वाटर की प्रेजेंस में। तो इट ऑल्सो रिलीजेज एस प्लस आयन्स एंड सो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब जो एस प्लस आयन्स रिलीज होते हैं एसिड्स के अंदर से, वो हमेशा जब वो प्रेजेंस ऑफ वाटर में, मतलब उसके साथ वाटर हम लोग मिक्स कर रहे हैं या रिएक्ट करवा रहे हैं, तभी वाटर के प्रेजेंस में उसके एस प्लस आयन्स रिलीज होते हैं। इसीलिए हमेशा एसिडिक बिहेवियर प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही शो होता है। जब एस प्लस आयन्स रिलीज होते हैं तब हमें एसिडिक बिहेवियर पता चलता है। तो अगर वाटर नहीं है तो एस प्लस आयन्स रिलीज नहीं होंगे, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए वाटर का प्रेजेंस होना इम्पॉर्टेंट है और वाटर के प्रेजेंस में ही कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश मिल्क हैज पीएच ऑफ 6, वट विल बी द पी एच वैल्यू इफ मिल्क चेंजेज इन टू अ कर्ड जस्टिफाई। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ कि फ्रेश मिल्क का जो पी एच है वैल्यू वो 6 है। तो वट विल बी द पी एच वैल्यू इफ मिल्क चेंजेज इन टू कर्ड। अगर वही मिल्क को हमने कर्ड बना दिया, दही बना दिया, तो उसकी पी एच वैल्यू में क्या चेंज देखने को मिलेगा, ये हमें जस्टिफाई करना है, मीन्स इसके बारे में बताना है। तो हमें पता है कि पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल पे हमें एसिडिक और बेसिक बिहेवियर की उनकी वैल्यूज़ कितनी है वो पता चलता है। इस पीएच स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक नंबर्स रहते हैं, 7 न्यूट्रल वैल्यू होता है और 7 से कम जितना रहेगा वो एसिडिक और 7 से ज़्यादा जितना रहेगा वो बेसिक कैरेक्टर शो होगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर। व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू अ कर्ड इट्स पीएच वैल्यू डिक्रीजेस, दैट इज लैक्टोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो क्या होता है कि जब मिल्क चेंज हो जाता है कर्ड में तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, मतलब कि कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो लैक्टोज रहता है मिल्क में वो कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसिड फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से पीएच वैल्यू डिक्रीज होगा।
एज मोर ऑफ एसिड इज फॉर्म इट्स पी एच वैल्यू डिक्रीजेस, जितना ज़्यादा उसमें एसिड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता जाएगा उसकी पी एच वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये ज़्यादा मतलब एसिडिक, इसकी जो पी एच वैल्यू थी 6 से और भी कम होकर डिक्रीज हो जाएगी। तो हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस इज यूजली लिबरेटेड वेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो कौन सा गैस लिबरेट होता निकलेगा जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, और आपको इसे मतलब एक एग्जाम्पल के साथ बताना है, और इस जो गैस निकल रहा है उसे हम टेस्ट कैसे करेंगे, उसका प्रेजेंस होने का कैसे हम पता करेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर। यूजली हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड वेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। तो क्या होता है, कभी भी अगर एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। और इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे ये क्लोरीन, तो ये Zn प्लस HCl, तो ये हो गया आपका। हम क्या करें, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने, और ये जिंक मेटल है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और यहाँ पे बन रहा है ZnCl2, और क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे HCl है, यहाँ पे मैंने गलती से क्लोरीन लिख दिया लेकिन ये HCl है। तो जब हम लोग जिंक एक मेटल है इसको रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बनेगा आपका ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना, हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो व्हेन अ बर्निंग कैंडल और मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर हाइड्रोजन गैस, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। जैसे ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा तो हम लोग क्या, हमें क्या करना है, एक जलता हुआ कैंडल या फिर एक मैचस्टिक को जस्ट उसके पास लेके जाना है, जिस भी टेस्ट ट्यूब से ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उसके पास लेके जैसे ही हम जाएंगे बर्निंग कैंडल या फिर माचिस को, तो वहाँ पे एक पॉपअप का साउंड आएगा, और यहाँ मतलब पॉपअप के साउंड के साथ कुछ बर्निंग टाइप का हमें दिखेगा। तो ये पॉपअप के साउंड से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी टाइम्स आते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे।